आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस और नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ से हमने शुरू किया यूनिट इन्फ्लामेशन। कॉजेज में आपको बताऊँगा, टाइप्स एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दोनों में आपको बताऊँगा, साइंस क्या होते हैं मैं बताऊँगा आपको। शुरू करते हैं इन्फ्लामेशन। आइटिस किसी चीज़ के पीछे सफिक्स में लगे तो इसे बोलेंगे हम इन्फ्लामेशन है। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी। वेस्कुलराइज्ड मीन्स जिस टिश्यू को खून मिलता है, उसकी ब्लड सप्लाई है, अगर उसको इंजरी लगेगी तो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे तो दो रिस्पॉन्स आएंगे, वेस्कुलर रिस्पॉन्स और सेलुलर रिस्पॉन्स। अगला लेक्चर मेरा इसी के ऊपर है, केमिकल मीडिएटर्स के ऊपर भी मैं एक लेक्चर डालूंगा। तो कॉम्प्लेक्स है, सिंगल स्टेप रिस्पॉन्स नहीं है ये। इसके अंदर नंबर वन केमिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर उसके बाद सेलुलर इवेंट्स होंगे। तो इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। कॉजेस क्यों हुई ये इंजरी, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, फिजिकल एजेंट्स है, केमिकल्स हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। चलिए माइक्रोब्स में तो आपको पता है बैक्टीरिया, वायरल, फंगस, ये इंजरी करेंगी ही करेंगी। फिजिकल एजेंट्स, कट्स लग गया आपको, कोई ट्रॉमा हो गया, रेडिएशन है, बर्न्स हैं, इनकी वजह से जो आपको इंजरी हुई। केमिकल में ड्रग्स, टॉक्सिन, एसिड्स, अल्कलीज, इनकी वजह से आपको इंजरी हुई। और चौथा हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप वन ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी है या किसी और चीज़ से एलर्जी है उस पेशेंट को। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जिसके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी खुद के सेल्स को मार रही है, तो उस केसेस में टिश्यू की इंजरी जो हो रही है उसको हमने बोला इन्फ्लामेशन। दो टाइप्स की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। इंजरी के बाद अगर सूजन, इन्फ्लामेशन 48 आवर्स तक रहे तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट। अगर इंजरी के बाद वो 48 आवर्स से ज़्यादा चले सूजन तो उसे हम बोलेंगे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। 48 आवर्स से पहले उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे, जो भी साइट है इन्फ्लामेशन की, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स, इसीलिए बोला पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फोलॉजी मीन्स उसके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स हैं, इसीलिए बोल दिया पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल। आज के बाद आपको कोई भी बोले PN सेल्स, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स, तो आप बोलोगे वो न्यूट्रोफिल्स हैं। मोनोन्यूक्लियर सेल्स जिसके अंदर सिंगल लोब होता है न्यूक्लियस के अंदर, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, वो हमें देखेंगे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक्यूट में है पस, एब्सेस, फुरंकल, बॉइल, कोई भी सेवर कट्स है, इंजरी है, जो मैंने आपको यहाँ पीछे बताए, कट्स, ट्रोमा, रेडिएशन, बर्न, अगर 48 आवर्स तक सूजन रहेगी तो वो एक्यूट माना जाएगा। जबकि क्रॉनिक, जैसे टीबी हुई, सिफिलिस हुई, CIBD, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, अल्सर्स हैं, क्रॉनिक अल्सर्स हैं जो हील नहीं हो रहे, जो 48 घंटे से ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब 6-6 महीने हो गए टीबी को चलते हुए, अल्सर को चलते हुए, पेट के अंदर कोई भी अल्सर चलते हुए 6-6 महीने हो गए, उन केसेस में हम ये देखते हैं मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स वहाँ आए हुए हैं एज अ डिफेंस सेल्स। बताऊँगा आपको आगे मैं, ये लिख रखा है मैंने सेलुलाइटिस। इसके अंदर होता है स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल एक ऐसा एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं STK। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, STK का इंजेक्शन भी आता है जो प्लेटलेट्स, जहाँ भी क्लोट बनी हुई हो उसको डिजोल्व कर देता है, जैसे MI के पेशेंट्स के अंदर STK का इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो डिजोल्व कर देता है कोलेजन को, कोलेजन फाइबर्स को। तो मान लीजिए ये जो सेल्स ऐसे हैं, बीच में ये कोलेजन फाइबर्स हैं, जैसे ही STK आए डिजोल्व करना शुरू कर देगा, यहाँ से डिजोल्व किया और ये डिजोल्व करता चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ सेल्स, सेलुलाइटिस, जिसकी वजह से वो डिजोल्व होती गई, पूरी की पूरी जो सेल्स हैं वो डिजोल्व होते जाएंगे, और इसीलिए इसका रैपिड स्प्रेड होता है। ये 48 घंटे के अंदर सेलुलाइटिस बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड कर जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन, आपसे कोई पूछे भाई 48 घंटे तक एक्यूट इन्फ्लामेशन के आप मुझे 5 साइंस बताओ जो रहते हैं। रेडनेस, जिसे हम बोलते हैं रूबर, कैलर, रूबर इसीलिए क्योंकि रूबी जो है वो एक स्टोन है, प्रीशियस स्टोन है, रेड कलर का होता है, इसीलिए रेडनेस। कैलर, कैलर मीन्स कैलोरी, हीट। ट्यूमर मीन्स और फंक्शन लेसिया, ये बाद में डाला, पहले ये 4 होते थे कार्डिनल साइंस, ये बाद में ऐड किया है फंक्शन लेसिया। लॉस ऑफ फंक्शन, अब ये क्यों हुए,
जाहिर सी बात है वैस्कुलर चेंजेस मैंने आपको बताए नहीं है तो आपको हाइपरीमिया का पता ही नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ही चोट लगी ब्लड वेसल्स ने पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करी और एक दो सेकंड के अंदर खून रुक गया, क्लोट बन गई। और एक दो सेकंड के अंदर जैसे ही क्लोट बन गई, खून रुक गया, वेजो डायलेशन हो जाएगी। ये पाइप है, मतलब ब्लड वेसल है, और ये ऐसे डायलेशन हो जाएगी और यहाँ ब्लड का आना हो गया ज़्यादा। ज़्यादा ब्लड दैट मीन्स रेडनेस तो दिखेगा ही दिखेगा, सूजन के ऊपर हीट गर्म दिखेगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड है, ब्लड है तो वार्मथ भी आएगी हाइपरीमिया की वजह से। यहाँ जो आसपास नर्व्स हैं जो डैमेज हुई इंजरी की वजह से, तो पेन तो होगा ही होगा क्योंकि नर्व फाइबर स्टिमुलेट्स हो रहे हैं। एग्जूडेशन क्यों हुई ये भी आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी मैंने लेक्चर नहीं लिया होगा। ये एक ब्लड वेसल है, मान लीजिए यहाँ इंजरी लगी, इसकी वजह से यहाँ जो हैं पोर्स जो थे इस एंडोथीलियम के वो जाएंगे खुल, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन वेस्कुलर परमियबिलिटी, और यहाँ से हुआ फ्लूइड का बाहर निकलना शुरू। और जैसे ये फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे बन जाएगा एक ऐसे ब्लैब फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं सूजन, उसके अंदर भरा हुआ होगा एग्जूडेट फ्लूइड। पूरी डिटेल मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, जब मैं आपको वेस्कुलर रिस्पॉन्सेज बताऊंगा, उसके अंदर इंक्रीज इन परमियबिलिटी बताऊंगा वेस्कुलर की। पांचवा, लॉस ऑफ फंक्शन, मैंने बता दिया नर्व डैमेज होगी तो जो उसका फंक्शन था, वो जिस भी मसल से अटैच थी वो मसल पैरालाइज होगी ही होगी, लॉस ऑफ फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वेस्कुलर एंड केमिकल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। ये वो मल्टी स्टेप प्रोसेसेस हैं जो इन्फ्लामेशन के अंदर देखी जाती हैं। थैंक यू।